ये जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर है वो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता आया है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी उसको सीखूँ, मास्टरी करूँ और नेक्स्ट जनरेशन को पास करूँ। मेरा नाम दिव्या पटेल है और मैं गुजरात के ठोड़िया पटेल ट्राइब से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म गुजरात के नवसारी ज़िले में हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो मैंने पैसे जमा किए उसमें से मैंने खुद का कैफ़े खोला, इंडिजिनियस देसी कैफ़े। उसमें लोकल फूड हम लोग सर्व कर रहे हैं। कैफ़े खोला तो दिमाग में यही था कि उसका एक ट्रेडिशनल लुक देना था, और वहाँ से मैंने यहाँ का जो ट्राइबल फॉर्म है वाली आर्ट वो किया, मैंने पेंटिंग किया वहाँ पे। वाली आर्ट है जो यहाँ के सह्याद्री रेंज के ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है। उसमें ये दिखाते हैं कि जो ट्राइबल कई यहाँ के लोग हैं वो कैसे जीते हैं, डेली रूटीन में क्या करते हैं, नेचर का यूज़ करके क्या करते हैं, वो सब इसमें डिपिक्ट करते हैं। मैंने जब इस आर्ट फॉर्म को जाना पहचाना फिर यहाँ से पता चला कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग ये कर रहे हैं आर्ट फॉर्म फिर भी अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो वहाँ से उनसे बात करके पता चला कि यहाँ पे कर तो रहे हैं सारे, बहुत सारे लोग कर रही है आर्ट फॉर्म, लेकिन प्रॉब्लम है ये कि ये शोकेस करने के लिए इन लोगों के पास कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। एक दिन मैंने इंटरनेट पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मेटा के गोल प्रोग्राम के बारे में पढ़ा। उनका ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि यहाँ के जो ट्राइबल यूथ हैं उनको डिजिटली लिटरेट करें। जैसे यहाँ के जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को कैसे डिजिटली यूज़ कर सके यहाँ के यूथ, और वहाँ से कैसे ग्रोथ कर सके पर्सनल और बिजनेस के लिए। गोल प्रोग्राम की फेसबुक पेज और जो वेबसाइट है वहाँ पे काफ़ी डिजिटल स्किल डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे वीडियो लेसन्स हैं, सो वो सीखा मैंने और वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे पर्सनल बिजनेस ग्रोथ के लिए। मुझे मेटा बिजनेस कोच के बारे में पता चला जहाँ से मुझे काफ़ी सारे लेसन्स मिले, कोचिंग मिली, और हमारा ये मेन प्रॉब्लम था कि कैसे हमारे पेंटिंग सेलिंग को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जा सके, तो ये मेन सॉल्यूशन हमें मेटा बिजनेस कोच के थ्रू मिला। जो ब्लाइंडली मॉडर्नाइजेशन को लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है वो काफ़ी खो रहा है, सो मॉडर्नाइजेशन को इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो है उसको कैसे बैलेंस करके चले आगे।